गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो होने वाला है वो भी एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। तो लाइक जैसे मैंने लास्ट डे बोला था लाइव सेशन में कि कल का जो व्लॉग होने वाला है कुछ इंटरनेट कनेक्शन के बारे में होने वाला है, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई कौन सी कंपनी का इंटरनेट बहुत अच्छा है और सिम अच्छा है तो कौन सी कंपनी का मुझे लेना चाहिए। देखो, डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जेब कितना अलाउ कर रही है। ठीक है, जैसे मैं इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करता था AU का, ये मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, पॉकेट वाईफाई। ठीक है, बट इसको कहीं मैं अंडरग्राउंड जाता हूँ या बेसमेंट में जाता हूँ या मार्केट में जाता हूँ तो ये काम करना ऑलमोस्ट बंद कर देता है। तो मुझे काफ़ी दिक्कत होने लगी थी, इसी वजह से कि मैं बात नहीं कर पाता था। लाइव सेशन में आप देखते थे कि आवाज़ भी फटती थी और ग्राफिक्स भी साफ़ नहीं आते, स्क्रीन साफ़ नहीं होती थी, तो काफ़ी दिक्कत होती थी यार। तो फाइनली मैं भी 2 महीने से रिसर्च ही कर रहा था कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन पर्सनली मैं यूज़ करूं, उसके बाद कोई वीडियो आपके लिए बनाऊं, क्योंकि जो मैं यूज़ करूंगा वही आपको बता सकता हूं। सुनी सुनाई बातें आपको पता है कि आपका भाई करता भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी कैप, ये मेरा बैग है, तो सुनी सुनाई आपका बात मैं करता नहीं हूँ। तो फाइनली मैंने इंटरनेट कनेक्शन जो है ले लिया है। मैंने इस समय इंटरनेट कनेक्शन लिया है घर के लिए, ठीक है, होम वाईफाई जिसको कहते हैं, और मैंने वो लगवाया है। और वो लगवाया है मैंने SoftBank का, क्योंकि SoftBank की सिम मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट। तो SoftBank की मैं सिम यूज़ कर रहा हूँ तो उसका अच्छा है, इसका जो फीडबैक है बहुत अच्छा था स्टार्टिंग से। तो मैं काफ़ी टाइम से पता कर रहा था कि यार कुछ अच्छा ऑफ़र मिलेगा तो मैं लगवा लूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको कभी भी ये चीज़ें लेनी होती है, इंटरनेट वगैरह या फ़ोन लेना या नंबर लेना, तो कोशिश करना कि वीकेंड्स पर या आप फेस्टिवल टाइम पे कोशिश करना ये सब चीज़ें लेने की, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, अच्छे ऑफ़र्स मिल जाते हैं आपको, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लेने में, कोई भी चीज़ को बहुत आराम से मिल जाती है, तो ऑफ़र्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो यही चीज़ जो मैं अभी लेके आया हूँ, मैं अभी कुछ 2-4 महीने पहले अपने दोस्त के साथ भी गया था लेने के लिए, तो वहाँ पर उस समय उन लोगों ने उससे 20,000 येन मांगे थे कि 20,000 येन आपके डिपॉजिट होंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट देने के 20,000 येन लगेंगे और बाकी आपका बिल अलग होगा। ठीक है, तो फाइनली मैं काफ़ी दिन से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा था कि क्या चल रहा है, तो प्रमोशन चल रहे थे। अभी शनिवार को जब मैं कल गया था तो वहाँ जाके मैंने पता करा, तो उन्होंने मुझे 0 बैलेंस पे ये वाईफाई प्रोवाइड करा दिया कि 0 बैलेंस पे आपको मिल जाएगा, आपको कुछ जमा नहीं कराना, आपका पर मंथ का बिल आएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा वाईफाई लिया है SoftBank का। ये है SoftBank Air, ये SoftBank Air है, बहुत छोटा सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है SoftBank Air का इंस्ट्रूमेंट जो है, बहुत छोटा सा, और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि इसमें ज़्यादा वायर का सिस्टम है नहीं, कोई भी आपको वायर नहीं लगानी यहाँ पर आपका। ठीक है, यहाँ अगर आपको अपने डेस्कटॉप में यूज़ करना है तो डेस्कटॉप में वायर है, वायर आप कनेक्ट कर लो, बाकी मुझे डेस्कटॉप तो यूज़ करना नहीं है, तो मैं फ़ोन में ही यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो ये है, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि इसमें ज़्यादा वायर जैसे हो जाता है ना, जामा हो जाता है पूरे घर में, वायर फैल जाता है, तो वो सब है नहीं, एक वायर है, कहीं भी कनेक्ट कर लो और इसको रख दो। ठीक है, और कनेक्ट रखते समय इसको कुछ चीज़ें हैं, उन लोगों ने कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इनको कहाँ कहाँ रखें और कहाँ कहाँ ना रखें। तो ये देख सकते हो आप, किसी भी विंडो के साथ जो ये 0 का निशान होता है, ये होता है ओके, जापान में यही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये किसी विंडो के पास रख सकते हो आप, और किसी टेबल के ऊपर विंडो के पास रख सकते हो, और कहाँ नहीं रखना है इसे, किसी कबर्ड के अंदर नहीं रखना है या टेलीविज़न के पास नहीं रखना है, एक कट लगा हुआ है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा सा, इतना सा, और इसमें बिल्कुल भी वायर का झंझट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके पैसों के मुद्दे की बात पे। ठीक है, तो यार जितने भी मेरे ज़्यादातर जितने भी व्यूअर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं मेरी, तो उसमें स्टूडेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, और कोई भी यार स्टूडेंट है या कोई जॉब करने कमाने आ रहा है, तो हर कोई पैसा कमाने ही आता है यार विदेश में। देखो, ऐसा है कि अपने देश से अच्छा कुछ भी नहीं होता, हर कोई, मैं भी यहाँ पर पैसे के लिए हूँ कि यहाँ पर मुझे वो चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे इंडिया में शायद नहीं मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ कभी नहीं मिलेंगी, बट यार देखो, विदेश में और स्वदेश में फ़र्क तो है पैसे का। ठीक है, ये सबको पता है, तो देश तो हमारा महान है, सबसे ऊपर वही होता है, बट यहाँ पर हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिलियों के सब लोग होते हैं मोस्टली, तो यार हम पैसा बचाने के लिए और पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो कोशिश हम यही करनी चाहिए कि सस्ते से सस्ते में कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, चीप एंड बेस्ट, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, जिसको हमारी हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं। तो वैसा ही कुछ मुझे ये इंटरनेट अच्छा लगा, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं कल से यूज़ कर रहा हूँ और आज है संडे, तो कल से मैं ऑलरेडी एक दिन यूज़ कर चुका हूँ इसको, स्पीड बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 बैलेंस पे मुझे मिल गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, वहाँ जाके फॉर्म भरना पड़ा। जब आप जाओगे, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये SoftBank का है। ठीक है, आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, अपना क्रेडिट कार्ड कैरी या आपका जेपी पोस्ट का एटीएम है या कोई भी एटीएम है, अपना एटीएम या क्रेडिट कार्ड कैरी करना, साथ में आपका रेजिडेंस कार्ड और पासपोर्ट, ये तीन चीज़ें लेके जानी है, बाकी कुछ लेके नहीं जाना। अगर आपके पास हंको है, हंको कहते हैं स्टैम्प को जो जापान में बहुत ज़्यादा चलती है, अगर आपके पास हंको है तो अपनी हंको भी ले जाना, ठीक है। एक भाई ने मुझे बोला था कि यार हंको नहीं हो तो हंको होता है, तो भाई थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा यार देसी आदमी हूँ तो मेरी थोड़ी लैंग्वेज उस टाइप की, थोड़ी गुजर टाइप की निकल जाती है, तो उसको ज़्यादा वो मत करना, भावनाओं को समझना, ठीक है। तो भाई ये तीन चीज़ें आपको लेके जानी है, पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड और आपका एटीएम, बस। जीरो बैलेंस में आपका खुल जाएगा और इसका पर मंथ का जो बिल आएगा मेरा, वो आएगा 3800 येन, 3800 येन इसका मेरा बिल आएगा हर महीने का। और ये है अनलिमिटेड, जितना यूज़ कर सकते हो, जितना यूज़ करो उतना यूज़ करो, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है 3800 येन में। और जो मैं पहले ये यूज़ कर रहा था पॉकेट वाईफाई, इसका जो बिल आता था मुझे आता था 5000, बट इसकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैं बता चुका हूँ। इसकी बुराई नहीं कर रहा, इसने बड़ा साथ दिया है, बट इसके सामने इसकी स्पीड कहीं भी नहीं है। तो इसका मेरा जो बिल आने वाला है वो आने वाला 3800 पर मंथ का। और इसमें एक साथ आप 10 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हो, चाहे आप 10 फ़ोन यूज़ करो, एक साथ 10 फ़ोन यूज़ करके चलाओ, या 10 लैपटॉप चला लो, चाहे चाहे डेस्कटॉप चला लो, मतलब 10 एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी 10 इंस्ट्रूमेंट एक साथ यूज़ हो सकते हैं इसमें अनलिमिटेड। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसका हिसाब किताब यार। और सीरियसली हमें चाहिए क्या होता है, हमें यही चाहिए होता है कि अच्छी स्पीड मिल जाए, क्योंकि हम लोग में मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नंबर भी लेते हैं तो इंटरनेशनल कॉल तो अपने घर करते नहीं है, ठीक है। तो हमें वीडियो कॉल ही करनी होती है घर पर अपनी माँ से, परिवार से बात करने के लिए। तो वीडियो कॉल में थोड़ा साफ़ आना चाहिए, या आप कुछ देख रहे हो, या कोई असाइनमेंट कर रहे हो, या आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने आपको बताया, दिखाया, सॉफ्टबैंक का एयर। और ये भाई ये कोई भी ना प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं प्रमोशन वीडियो करता नहीं हूँ, या मैं पेड वो ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ, तो वो सोचना मत, वो आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, लेना तो लो नहीं तो कोई बात नहीं। पर बहुत अच्छा यार, मुझे बहुत पसंद आया, सस्ता है, 3800 येन कुछ भी नहीं होते, खाना खाने जाता बंदा एक बार तो 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं यार, ठीक है। अनलिमिटेड है, 10 करो, चाहे 8 करो, चाहे 2 करो, चाहे 4 करो, आपका 10 इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ हो सकते हैं, और सस्ता है और टिकाऊ है। और सबसे अच्छी बात है कि जामा नहीं लगेगा, कहीं भी इसको टेबल पे रख दो या साइड में कहीं भी टिका दो, अपना रखा रहेगा। तो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी भाई। तो बस यही था यार, मैं खाली आपको इसी के बारे में बताना चाहता था, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बाकी हर महीने का बिल आपको अकाउंट से कटवाना है, या आपको घर पे बिल चाहिए तो वो वहाँ पर आप बता सकते हो कि मुझे घर पे खामी चाहिए, या मेरे को लेटर से भेजो, या मेरा अकाउंट से काट लो, जैसे मैंने अकाउंट से कटवाया है कि मैंने अकाउंट से काट लो। मैं वैसे आलसी सोता रहता हूँ, जब फ्री होता हूँ, तो यही सब चीज़ थी यार। तो इसकी स्पीड अच्छी है, इसका जो फीडबैक है मेरी तरफ से, मैं इसको भाई 100 में से कम 85 तो दूंगा, क्योंकि मैंने इसको एक दिन यूज़ करके देखा है, और उससे 100 भी देता अगर मुझे पता होता कि मैं इसको ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो बस यार यही है सॉफ्टबैंक का एयर वाईफाई, इसी के बारे में सारा वीडियो था और इसी के बारे में सारी बात हुई, और यही मैं बताना चाहता था। तो आप लोगों को अगर पसंद है तो आप ये यूज़ करके देख सकते हो, या जो लोग आने वाले यूज़ कर सकते हैं। सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। कोशिश करना कि हॉलीडेज़ या फेस्टिवल टाइम पे चीज़ें खरीदो तो बहुत सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि प्रमोशंस उसके हिसाब से निकलती हैं। जैसे मुझे ये फ्री मिल गया, मेरे दोस्त को 20,000 येन में मिला था, तो यही फ़ायदा होता है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा भाई लोग, अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना। जैसा आप प्यार देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, वैसे ब्लेसिंग्स देते रहो। तो टिल देन ये व्लॉग यहीं बंद करते हैं। गुड बाय, सायोनारा।